हाँ जी बेटा, इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट stdio.h फाइल। वी हैड फोर फाइल्स, दिस इज द लास्ट फाइल ऑफ सेवेंथ चैप्टर। ठीक है, एज वी ऑल नो इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, राइट? नाउ दिस इनपुट आउटपुट इट मीन्स इट हैज टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस मेनली, इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस। बेटा देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेम्बर, इनपुट फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रीडिंग फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस आर कॉल्ड राइटिंग फंक्शंस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नाम ही याद करना है। इनपुट फंक्शंस आर रीडिंग फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड राइटिंग फंक्शंस, राइट? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, इट इज लाइक दिस टॉपिक इज कवर्ड इन टू चैप्टर्स, लेसन 3 एंड लेसन 7। इन लेसन 3 यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रिंग आईओ फंक्शंस, उसमें भी यही लिखना है। एंड इन लेसन 7 यू हैव लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ stdio.h फाइल, इन दैट यू ऑल्सो हैव टू राइट द सेम। राइट नाउ in this topic first of all we will study the output functions. देखो output functions तीन है, we have this printf, write all smalls, then we have puts and we have putchar, putchar। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, output functions they all begin with p, writing functions begin with p। अब अगर ये आउटपुट फंक्शन है प्रिंट एफ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट फंक्शन कौन सा होगा? इट विल बी स्कैन एफ। पुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? इट विल बी गेट्स, GETS। एंड इफ वी हैव हेयर पुट कैर देन वी विल हैव हेयर गेट कैर, GETCHAR। दीज आर द सिक्स फंक्शंस विच वी हैव टू डू, राइट? Now let us begin with the first one, that's printf and scanf। ठीक है, इसको देखते हैं। ये तो आपने प्लस वन से ही करना शुरू किया हुआ है, printf and scanf। Now this we you have the definition with you in the notes। Now let me demonstrate it practically with an example। ठीक है, हम string की बात कर रहे हैं। Suppose हमारे पास एक string है, इंटीजर का तो बहुत इजी है, एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम परसेंट एन। दिस स्ट्रिंग इज अ न्यू थिंग फॉर यू इन प्लस टू। नाउ इन प्रिंट एफ हम लिख रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग खाली स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई, सिटी। ठीक है, मैंने सेमी कॉलन डाल दिया, इज इक्वल टू पुणे, दिल्ली, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, सिटी हमारी जो स्ट्रिंग है वो खाली है, उसकी उसमें कौन सी सिटी डालनी है, बठिंडा, पटियाला, अमृतसर, जलंधर, वो यूजर बताएगा। तो यूजर से इनपुट कैसे कराएं? फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस प्रिंट एफ, एंटर सिटी। ठीक है, ये लिख दो, मैसेज कोई भी दे दो। अब ये हो गया आउटपुट। स्कैन एफ का फंक्शन देखो, एस सी ए एन एफ, स्कैन एफ परसेंटेज एस, और यहां पे एम परसेंट लगाते थे, लेकिन सिटी के साथ एम परसेंट स्ट्रिंग के साथ नहीं लगेगा, आई टेल यू द रीजन। ठीक है, अब द नेम ऑफ द वेरिएबल इज सिटी। ठीक है, अब हम आउटपुट कर रहे हैं इसको, दिस इज इनपुटिंग स्कैन एफ। आउटपुट कैसे करेंगे? प्रिंट एफ के साथ, प्रिंट एफ योर सिटी इज, जो आपने सिटी एंटर की है वो है परसेंटेज एस, जो भी वैल्यू यूजर ने सिटी में इनपुट की होगी वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब इसका आउटपुट हम चला के अगर देखेंगे पीसी पे, देन एंटर सिटी आएगा सबसे पहले। सपोज मैंने सिटी इनपुट कर दी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो आउटपुट क्या आएगा? योर सिटी इज न्यू। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड हियर, न्यू दिल्ली वाज द सिटी, लेकिन आया सिर्फ न्यू। यही प्रॉब्लम है बेटा स्कैन एफ की। स्कैन एफ फंक्शन जो है ये फेल हो जाता है जब स्पेस आ जाती है स्ट्रिंग में, आगे पढ़ ही नहीं पाता है। स्कैन एफ कांट
read or input strings spaces. Scanf function can't input spaces. Scanf function can't read spaces. ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब एक चीज और देख लो, इधर एम्परसेंट क्यों नहीं आता. परसेंटेज डी के साथ दिस वॉज द एम्परसेंट सिंपल एड्रेस ऑफ सिंपल जो आपने प्लस वन में किया था, लेकिन ये परसेंटेज एस के साथ नहीं आता. यू ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, क्यों नहीं आता? क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है परसेंटेज एस के साथ वो एरे होती है. ये दिख रहा है ना एरे, और एरे के नाम में उसका पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है. ठीक है, एरे के नाम में पहले एलिमेंट का एड्रेस है. जब एरे के नाम में एड्रेस है तो उसके आगे एम्परसेंड लिखने की क्या जरूरत है? When the array name already contains the address, what is the need of writing the address of operator? So, we don't write this ampersand address of operator with percentage s because the name of the array already has the address. So, there is no need to write the address of operator. ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, अब आपको समझ आ जाएगा. अब scanf जो है इसकी प्रॉब्लम है, न्यू दिल्ली इनपुट किया था और सिर्फ न्यू पढ़ा. अगर तो मैं एंटर सिटी करती पटियाला, आंसर विल बी पटियाला. पुणे, आंसर विल बी पुणे. बट इफ यू आर एंटरिंग स्पेस देन इट विल नॉट बी एबल टू रीड आफ्टर द स्पेस, राइट? सो इसका सोल्यूशन है बेटा, सेकंड इज गेट्स एंड पुट्स. गेट्स नाम ही बना है फॉर स्ट्रिंग, इट्स ओनली फॉर स्ट्रिंग. प्रिंटेक्स scanf it will work with integers, floats, characters, but this gets inputs will only work with strings. ये integer और floats के साथ नहीं चलता. तो इसके साथ हम कैसे लिखेंगे? Same, this line will be common, care city. उसके बाद हमने लिखा जैसे printf enter any city. ठीक है, अब scanf की जगह gets gets लिखो और एरे का नाम है सिटी. अब printf यू कैन ऑल्सो यूज पुट्स हियर, योर सिटी इज. अब यहां पे डबल कोट्स बंद करके इसको छोड़ दो. पुट्स भी ऐसे यूज करते हैं, गेट्स एंड पुट्स बहुत इजी है यूज करना. बस ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम city सिटी semicolon. ठीक है, अब अगर आप यही इनपुट दोगे ना, एंटर सिटी न्यू दिल्ली, आंसर विल बी न्यू दिल्ली. इट विल बी एबल टू रीड स्पेसेस. ये बहुत ही सिंपल है, गेट्स एंड पुट्स. ठीक है, इसके प्रोग्राम बनाने की अभी जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए. नाउ द थर्ड फंक्शन इज गेट केयर एंड पुट केयर. नाउ व्हाई आर वी मूविंग ऑन टू दिस गेट केयर एंड पुट केयर. ठीक है, इसकी क्या जरूरत है? देखो बेटा, जो गेट केयर है एंड पुट केयर है, अगर हमारी स्ट्रिंग होती जिसमें स्पेस भी है और न्यू लाइंस भी हैं, वी हैव मल्टीपल लाइंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड आई लाइक सी एंड आई लाइक जावा बट आई डोंट लाइक मैथ्स. ठीक है, अब मेरी इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, अगर हम यूज करें scanf तो scanf यहीं पे रुक जाएगा, आई के बाद स्पेस आएगी, नहीं पढ़ पाएगा. अगर हम बात करें gets, gets will be able to read this line I like C but gets will not be able to go to the new line. ठीक है, तो ये जो scanf है it will not be able to read space, gets will not be able to read new line. So get care and put care, it will read all the characters, spaces, new lines, whatever. ठीक है, इसको आप प्रोग्रामिंग ऐसे कर सकते हो कि आप एक कोई भी करेक्टर z इनपुट नहीं करते जब तक यह चलेगा. इसका सिंटेक्स, इसकी एग्जाम्पल कैसे है? गेट केयर नाम से ही पता चलता है एक करेक्टर के लिए है, एरे के लिए नहीं है. एरे अगर यूज करना है तो लूप लगाना पड़ेगा. ठीक है, इट इज देयर इन योर नोट्स. इफ आई हैव टू रीड अ होल स्ट्रिंग यूजिंग गेट केयर आई हैव टू यूज अ लूप. ठीक है, कैर जैसे हमने सिंगल करेक्टर कोई भी ले लिया, जैसे आपका सेक्शन एच है, आई है, आपका सेक्शन ई है.
ठीक है, जो भी आपका सेक्शन है वो सिंगल करेक्टर का डेटा है, उसके साथ एरे नहीं। अब हम यूजर को बोलेंगे प्रिंट एफ एंटर सेक्शन, ठीक है। अब गेट केयर कैसे यूज करते हैं, इसका तरीका डिफरेंट है। सेक्शन इधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गेट केयर एंड ब्रैकेट विल बी एम्प्टी एंड सेमी कॉलन, ठीक है। देन प्रिंट एफ योर सेक्शन इज, ये तो मैसेज हो गया। सेक्शन पुट कैसे कैसे, PUTCHAR ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर सेक्शन सेमी कॉलन, ठीक है। दिस इज द कोड, ये आपके नोट्स में भी है बेटा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, ये आपके नोट्स में है। एंड यू हैव ऑल्सो डन दिस इन प्लस वन इफ यू रिमेम्बर, राइट। सो आज आपने क्या सीखा, बेसिकली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रिंग आईओ फंक्शंस भी आप कह सकते हो आप इनको, इनपुट फंक्शंस स्कैनएफ गेट्स गेट केयर, आउटपुट फंक्शन प्रिंटएफ पुट्स पुट केयर। प्रिंटएफ स्कैनएफ द प्रॉब्लम इज इट विल नॉट बी एबल टू रीड स्पेस, स्पेस के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। देन गेट्स पुट्स इट कैन रीड अ स्पेस बट इट कैन नॉट रीड अ न्यू लाइन, ठीक है। आई लाइक सी, ये आई लाइक सी के बाद एंड आई लाइक जावा बट आई डोंट लाइक मैथ्स, ये दोनों लाइन्स नहीं पड़ेगा। तो ये जो गेट केयर और पुट केयर है, इफ यू विल यूज इट इन अ लूप देन जितनी मर्जी बड़ी स्ट्रिंग आप इसके साथ रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज द लूप, दैट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज नॉट नीडेड एट दिस लेवल, राइट। तो बेटा ये समझ लो, क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से इनके देख लो, राइट, ओके।